नमस्कार जय हिंद। अशोक व्यास चल के आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में है नितीश कुमार जी मुंबई से, और अपने कान की तकलीफ, सुनाई में कमी इत्यादि बिंदुओं के चलते हमारे पास पहुंचे हैं, और हम देखना चाहेंगे कान में क्या चल रहा है। कौन सा कान में है तकलीफ? ठीक है, ठीक है, देख रहे हैं आप, ये पूरा डिजीज है। ठीक है, सेवलन और अच्छे से दिखा देते हैं, आपको वीडियो में दिखा पाएंगे कि आपका ये कान है ना। देखिए आप, देखिए ये छेद है, ये इधर वाला, ये वाला नीचे वाला छेद है पूरा। हाँ, ये इधर, ये वाला छेद है, और वो मैस्टॉइड डिजीज है, पोस्टियर सुपीरियर रिट्रैक्शन पॉकेट है, वो मेन बीमारी वो है ऊपर का। हाँ, ये हड्डियों में गलन को बताता है। हाँ, ये यस वो बीमारी है, और ये नीचे छेद है, समझ रहे हो? सो देयर आर टू थिंग्स टुगेदर। अब आप ये वाला कान देख रहे हैं, इस कान को भी हम देखना चाहिए। ठीक है, ये ठीक है, ये कान ठीक है। ओके, अब नाक को देखना चाहिए, नाक को जांचेंगे। नाक में रुकावट तो नहीं रहता है? नहीं, नाक वो साथ ही होता तो होता है, थोड़ा थोड़ा जाम एक साइड का बंद, एक साइड का चालू। इस पर बस डरी नहीं। सो अब हम इंजीनियर साहब से जानना चाहेंगे कि आपको कान में क्या तकलीफ रहती है, अपनी तकलीफ के बारे में बताइए। पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम नितेश है, मैं मुंबई में कुर्ला में रहता हूँ जी, कुर्ला से साकीनाका में रहता हूँ जी। तो मैं मेरे कान के प्रॉब्लम की वजह से मैं जयपुर अशोक मेडिकल केयर में रिफर किया हूँ जी। कान में आपको क्या तकलीफ रहती है? सर, सुनने में छोटे छोटे जो कार होते हैं वो थोड़ा कम सुनाई देते हैं जी, इसके कारण और अंदर से कान में थोड़ा थोड़ा मवाल जमा रहता है जी, इसके लिए यहाँ पे। ठीक है, आप टीम द्वारा आपकी विस्तृत जांच की जाएगी और हर संभव प्रयास किया जाएगा ताकि आपकी इन तकलीफों को दूर किया जा सके। थैंक्स फॉर कीपिंग ट्रस्ट विद अस, थैंक यू। मुंबई से जी, महाराष्ट्र मुंबई से, महाराष्ट्र मुंबई से हूँ, मेरा नाम नितेश है जी। मेरा जो ये कान का, लेफ्ट कान का प्रॉब्लम है जी, मैं जब बचपन में 7-8 साल का था तब ये सब प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, ये किसी इन्फेक्शन के कारण हो गया था, जिससे बहते बहते अंदर से मवाद हो जाता था, अंदर से मवाद आता था और कान में खुजली होता था, जिसके कारण मैंने मुंबई के अच्छे अच्छे हॉस्पिटल और मैं जहाँ जहाँ पे गया सब बड़े बड़े हॉस्पिटल तक चेक कराया, लेकिन वहाँ का रिस्पॉन्स ये था कि ऑपरेशन करना पड़ता था, साइड कट से ऑपरेशन करना पड़ता, जिससे एक स्टूडेंट हूँ, अगर मैं ये ऑपरेशन कराता तो आने वाले इन फ्यूचर में मुझे कई तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी, इसीलिए मैंने अपने सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने अशोक वेस्ट हेल्थ केयर को चुना, इसीलिए मैं मुंबई से जयपुर आया जी। आज मेरा ट्रीटमेंट जी, दूरबीन माध्यम से आपके कान की तकलीफ का निवारण किया जाएगा, इसके लिए हम थिएटर में हैं, और यह प्रोसीजर पूरा पेन फ्री रहेगा, इसके लिए आपको एनेस्थेटाइज किया जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर, गुड लक। थैंक यू नितेश जी, आपके लेफ्ट ईयर की दो ओसिकल्स, मिडिल ईयर के ओसिकल्स खराब थी, डिजीज थी, नेक्रोस थी, उन्हें निकाला गया है। ओके, हम देख सकते हैं, दीज आर द टू ओसिकल्स, मेलियस एंड इनकस हैज बीन रिमूव्ड, और इन्हें रिप्लेस किया जाएगा। यस सर, टोटल ओसिकुलर रिकंस्ट्रक्शन प्रोस्थेसिस TORP से। ठीक है, और इसे प्लेस करने के बाद में आपका हियरिंग असेसमेंट हम करेंगे। ओके, विल बी बैक। अब सब कितना जो अधिकतम प्रयास हो सर हो सके जितना भी अच्छा, बिल्कुल विल डू और बेस्ट। ओके नितेश जी, दूरबीन द्वारा आपके कान का सर्जरी ओसिकुलोप्लास्टी मैस्टोइडेक्टोमी कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सर, और हम यहाँ
कान के आंतरिक हिस्से पे जेल फॉर्म ड्रेसिंग दिख रहे हैं। यस सर। और अब हम कान के पिछले हिस्से को देखना चाहते हैं। हम देख रहे हैं कान का पिछला हिस्सा नीट एंड क्लीन है, यहाँ किसी प्रकार का चीरा कट नहीं है। ये पूर्ण आंतरिक विधि द्वारा ट्रांसकैनल मेथड से हुआ है। यस सर। और अब हम नितेश जी से मिलना चाहेंगे। आँखें खोल लीजिए। यस सर। आँखें खोल सकते हैं आप आराम से, रिलैक्स। हाँ, कैसे हैं आप? अच्छे सर। दोनों आँखें बंद कीजिए, खोलिए। ओके। फेशियल नर्व फंक्शन इंटैक्ट, नॉर्मल। रितेश जी। यस सर। अब आपकी हेयरिंग कैसी है? हेयरिंग सर अभी अच्छी है, पहले की तुलना में। जी, अगर ऑपरेशन से पहले हेयरिंग को कोई नंबर देना चाहें तो? ऑपरेशन तक का तो ऑपरेशन के पहले थर था 25 से लेके 30 के आसपास। जी, इतना था मेरा 30 तक का। अब चूंकि ऑपरेशन हो गया है, अस्थियों हड्डियों की नई चेन श्रृंखला बन गई है। यस सर। अब आपकी सुनाई का स्तर कैसा है? अगर जो मेरे हिसाब से अनुमान से सर 70-80 के आसपास ऐसा है। ठीक है, 80% अचीव हो गया आपको? यस सर। ठीक है। और क्योंकि अभी जो आपने जो सब लगाया है जी, ये सब रिमूव होगा, फिर बाद में और भी आएगा जी। ड्रेसिंग्स की वजह से थोड़ा कम हो गया है। ठीक है, जब हमने चेक किया था तब आपको बहुत तेज लग रहा था आवाज़। यस सर। आप उधर भी कुछ तो बोल रहे थे जी। हल्के में बोले थे, कुछ रैपर पर का भी वो सब हो रहा था, आवाज आ रहा था। तो क्या आप इस ऑपरेशन से संतुष्ट हैं? जी सर, मैं इस ऑपरेशन से बहुत संतुष्ट हूँ जी। संतुष्टि चेहरे पे आनी चाहिए मुस्कुराहट के साथ में। ठीक है सर, आएगी, जरूर आएगी। और आप जिस लक्ष्य के लिए जयपुर पहुंचे थे बॉम्बे से, वो पूरा हुआ? यस सर, वो लक्ष्य मुझे अचीवमेंट हो गया। अचीव हो गया। यस सर। ठीक है, अब ड्रेसिंग करके आपको आपके फादर के पास में वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा। यस सर। ओके, ऑल द बेस्ट, गुड लक। ओके।